हार्ट अटैक एक आम सी बीमारी बन गई है, जिसे देखो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स अब हार्ट अटैक के आने लगे हैं। यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक एक आम सी समस्या बन गई है, जिससे लोगों के मन में एक डर आ गया है कि अगर फिट इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है तो इसका मतलब हमें भी आ सकता है। तो ये तमाम सवाल हमारे मन में अब उठने लगे हैं। आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बिमल छाजेन, जिनसे आज हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो यंग जनरेशन है या जो ओल्ड जनरेशन भी है, जिनमें हार्ट अटैक की समस्या अब आम हुई है, उसे कैसे रोका जा सकता है। डॉक्टर विमल छाजे एक ऐसा नाम जिन्होंने नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी में ऐसी महारत हासिल की है कि अब तक 5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को वो बिना एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के सही कर चुके हैं, यानी कि नॉन सर्जिकल तरीके से। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल होता है कि क्या मेरा हार्ट हेल्दी है, क्या मेरा दिल ठीक काम कर रहा है, क्या मैं फिट हूँ, कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, हार्ट की बीमारी में एक बहुत कॉमन बात है कि सडनली पता चला हार्ट अटैक हो गई, कल तक तो फिट था आज ही खराब हो गई। इसका मतलब क्या है, बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और आम आदमी को पता भी नहीं चलता है। पर बीमारी के जो कारण है वो उनके पास रहते हैं और वो हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। बीमारी में जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मलेरिया हो गया, एक ही कारण है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। कोई को टाइफॉइड हो गया, पता चला सल्मोनेला से हो गया, तो उसको एंटीबायोटिक दे दिया, एंटी मलेरियल दवाई दे दिया, ठीक हो गई। हार्ट की बीमारी में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और वो हम लोग अनदेखा करते रहते हैं, अंदर ही अंदर ब्लॉकेज बढ़ते रहती है और एक दिन सडनली हार्ट अटैक होता है। और वो हार्ट अटैक होते वक्त के पहले दिन तक हो सकता है मरीज 5 किलोमीटर चल रहा हो तो उसको ये महसूस ही नहीं होता अंदर ही अंदर ब्लॉकेज हो चुका है। तो ये कारण को हम लोग को जानकारी करनी पड़ेगी और अगर कारण को मैं एडवांस में केयर ले लें तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है। सर, एक ये सवाल मन में होता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं, यानी कौन सा ऐसा सिग्नल मिल जाए हमें कि हमें कब डॉक्टर के पास दिखाना है? देखिए, हार्ट की बीमारी में जब आप डॉक्टर के पास सिम्टम्स लेके जाएंगे, जब तक बहुत लेट हो गया होता है। मैं आपको समझा दूं, हार्ट की जो बीमारी होती है उसमें होता है क्या, हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलता है 3 ट्यूब से, इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये होती है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उतनी मोटी सी। अच्छा, उसके अंदर चर्बी जमते रहती है, जब तक वो 70% ब्लॉकेज होती है तब तक तो मरीज को पता भी नहीं चलता, वो दौड़ सकता है। इसका मतलब क्या है कि 30% जो सप्लाई उसकी हार्ट की ट्यूब की है उतना हमारे लिए बहुत है, 70 एक्स्ट्रा है, तो 70 ब्लॉक तक तो आदमी को पता ही नहीं चलता है। और वो जो 30 खुला है वो जिस दिन सडनली बंद हो जाती है उस दिन हार्ट अटैक हो जाता है। सडनली बंद होने का मतलब है वो 30 के अंदर एक क्लॉट फंस जाती है, और क्लॉट फंसने का क्या कारण है मालूम है, ब्लॉकेज बढ़ता रहता है और ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो फट जाता है सडनली, और जैसे ही पर्दा फटता है वहाँ से कुछ क्लॉटिंग केमिकल निकलता है और ब्लड को क्लॉट कर देता है। क्लॉट करते ही वो 30% में क्लॉट जम गई और 70 पहले ही ब्लॉकेज था और वो 100 ब्लॉकेज हो गया। 100 जैसे ही ब्लॉकेज हुआ हार्ट का एक हिस्सा डेड हो गया। तो हार्ट की बीमारी में ये एडवांस में पता चलता नहीं है, पर एडवांस में क्या पता चल सकता है, उसके कारण पता चल सकता है। वो कारण कौन से हैं, कोई के कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई का ट्राइग्लिसराइड हाई है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल कराओ, कोई का बीपी हाई है, शुगर हाई है, इसके लिए इनका चेकअप होना चाहिए, और कोई की ओवरवेट है, स्मोक कर रहा है। तो हार्ट की बीमारी के जो कारण है जनरली आम आदमी को पता भी है पर केयर नहीं लेते हैं, तो वो केयर लेना बहुत ज़रूरी है। और जिनके पास एक कारण का ज़्यादा नंबर्स हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं आप एक टेस्ट कराओ जिसका नाम है सीटी कोरोनरी स्कैन। ऊपर से आपका स्कैन करके, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, ऊपर से स्कैन करके आपकी कितनी ब्लॉकेज बता देंगे। तो जिनके भी 40-50 से ज़्यादा ब्लॉकेज है उनको बहुत प्रिकॉशन ले लेना होगा, क्योंकि 40-50 के बाद उसके ऊपर का पर्दा फटने के कगार में होता है। कब फटेगा बोलना मुश्किल है, बट कोई ना कोई दिन फट जाएगा। इसलिए ब्लॉकेज बढ़ाते रहोगे तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक जरूर होगा। सर, ब्लॉकेज बढ़ाते रहेंगे हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन आपके पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, गलतफहमी ऐसी कुछ हो जो पेशेंट्स के अंदर अमूमन रहती हो, जो आपके सामने आती हो, या कुछ ऐसा उनके मन में सवाल होते हो जो हमेशा रहते हैं? देखिए, ऐसा होता है, हार्ट की बीमारी का जो असली कारण है वो है चर्बी जम जाना, हार्ट के ट्यूब्स के अंदर चर्बी का लेयर जमते रहना। चर्बी का लेयर का मतलब मैं समझा दूं आपको, आपके घर पे भी ऐसा होता होगा, जैसे आप सारे दिन का तेल से रसोई में खाना बनता है
जब शाम को जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, देखिए चिप चिप करेगा। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करो कि उसका आधा पोर्शन को हर दिन साबुन से साफ करो, आधे को छोड़ दो, और एक महीने बाद देखेंगे पूरा लेयर बाय लेयर जम गई है। यही तो हार्ट में होता है कि वो जो चर्बी हम लोग खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं, वो लेयर बाय लेयर हार्ट के अंदर जमती है, और वो जमते जमते एक दिन हार्ट अटैक करेगा। तो अगर हम लोग ये देख लें कि खून में कितनी कोलेस्ट्रॉल है, कितना ट्राइग्लिसराइड है, अच्छा देख भी लेते हैं बहुत सारे लोग, उसको बोलते हैं मेरा थोड़ा ज़्यादा है, मैं बोला ज़्यादा नहीं रहना है, कम से कम रखना है। जैसे कोलेस्ट्रॉल की रेंज 130 से 200 तक होती है, तो मैं अपने हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ भाई 129 रखो आप, 130 से शुरू होता है। और वो सिंपल लॉजिक आपको समझना होगा, ये पेन मेरे को 130 में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है, किससे खरीदूँ? अब आदमी बोलता है 130 में खरीदो, मैं बोला कोलेस्ट्रॉल 130 होती है, 150 होती है, 200 होती है, कौन सा रखना है? तब वो बोलते हैं हाँ 200 तो बहुत ज़्यादा है। मैं बोला देखो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, गलतफहमी में नहीं रहो, कोलेस्ट्रॉल को 130 रखना है, ट्राइग्लिसराइड को 100 रखना है, ये लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट से पता चल जाता है, लोग करवा लेते हैं उनको मालूम नहीं। वैसे ही बीपी को 120 ही रखना है, शुगर को 100 और 140 और 3 महीने के शुगर 6.5 से कम होनी चाहिए। तो आपको हार्ट अटैक के कारण मालूम होने चाहिए, और वो कारण को हम लोग इग्नोर ना करें। कोई स्मोक करता है उसको ये नहीं मालूम कि स्मोकिंग से अंदर अंदर ब्लॉकेज बढ़ रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है वो भी ब्लॉकेज बढ़ाने में मदद करता है, कोई ज़्यादा टेंशन लेता है वो भी ब्लॉकेज बनाने में, खाने में ज़्यादा तेल खाता हो उससे भी ब्लॉकेज बनता है। तो हम लोग बोलते हैं जीरो ऑयल खाना खाओ। तो ये जो नॉलेज है ये आम आदमी के पास नहीं है, और वो इसी में फंस जाता है। इंडिया में आज के दिन में हर दिन करीब करीब 9000 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, 9000 कोई कम अमाउंट नहीं नंबर है, हर 10 सेकेंड में एक हार्ट अटैक से आदमी मर रहा है। तो ये हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग उनको अवेयर करें, पेशेंट्स को समझाएं कि ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर, खान पीन, रहन सहन, स्मोकिंग, वजन कम करना, ये अगर आप कर लोगे तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगी। सर जैसे आपने कहा कि हर रोज 9000 पेशेंट्स मर रहे हैं हार्ट अटैक से, और ऐसे में यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनका अभी नंबर्स बढ़े हैं, हमने बहुत ज़्यादा देखा भी है कि यंग एक्टर्स हुए उनकी अचानक से डेथ हो गई, हार्ट अटैक रीज़न रहा, चाहे जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो एक ऐसा लाइफस्टाइल जीते हैं जिसमें वो फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को भी लगता है कि हम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, हम भी यंग हैं, तो क्या हमें नहीं होगा? और यंग लॉट में ये इतना ज़्यादा नंबर्स क्यों बढ़े हैं? देखिए एक बात याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती है, कारण तो रही है। जो हमने देखा है ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के लाइफ में दो चार चीज़ की एक प्रॉब्लम रहती है, एक तो स्ट्रेस का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, यूजुअली इनका खाना पीना जो रात की पार्टीज़ वगैरह होती है, अल्कोहल होता है उसमें, मीट होती है, फैटी फूड होती है, वो भी खाते हैं वो लोग। अच्छा दिन में बड़ा फिटनेस रखना होता है उनको, तो फिटनेस रखना ही होता है, तो वो लोग एक्सरसाइज तो खूब करते हैं, फिट भी रखते हैं अपने आप को, पर अंदर ही अंदर फैट खाते रहते हैं। और अगर उनको लिपिड प्रोफाइल मिल गया ज़्यादा तो फिर तो हार्ट की बीमारी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अच्छा बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, पर उनको दवाई से कंट्रोल कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं, बाहर से तो दिखता नहीं है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, तो अपेरेंटली हम लोग को लगता है बड़ा हेल्दी आदमी है, पर अंदर ही अंदर उसको हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, और एक दिन उस ब्लॉकेज के ऊपर का पर्दा फटा और क्लॉट आ गई और 100% ब्लॉकेज हो गई और डेथ भी हो जाती है। तो ये हार्ट की बीमारी को हम लोग बोलते हैं छिपा हुआ रुस्तम, छिपा हुआ बीमारी जो कि हम लोग अंदर से समझ नहीं पाते हैं, और वो एक दिन सामने आता है उस दिन लेट हो जाता है। यानी मतलब अंदर अंदर बीमारी चल रही है। आपने कहा कि फैट भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, सर इसमें एक और चीज़ है कि डाइट हमारी अभी बहुत नई नई आ रही है कि लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें फैट कंज्यूम किया जाता है, कोई कहता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लीजिए वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे में क्या चूज किया जाए इनके बीच में से? देखिए अब धीरे धीरे पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक चीज आ गई है कि हार्ट के लिए खाना क्या चाहिए, वो अब क्लियरिटी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक चीज होती है जो डाइट में जो एक्चुअल डिपॉजिट होता है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल किस खाने में होती है? ना सारे नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, जितने भी नॉन वेज फूड है, चाहे फिश हो, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे कोई भी तरह के मीट हो, वो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। अंडे में एक बात है कि येलो पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्रीन वाइट पोर्शन में नहीं होता है, तो वाइट ऑफ एग खाया जा सकता है। दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो याद रखिए सारे एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होती है, पर उसमें फैट होता है, ये जितने तेल है उनको नहीं खाना चाहिए। तो चार चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, एक तो नॉन वेज नहीं खाना चाहिए,
इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है हार्ट के लिए, ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। एक, दूध में से मलाई निकल जानी चाहिए। तीसरा है, तेल नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑयल का कुकिंग करो। खाना में मसाले का ज़रूरत है टेस्ट के लिए, और मसाले को भूनने का दो तरीका, एक तेल से एक पानी से। अगर पानी से भूनना सीख जाएं लोग, पैसे भी बचेंगे, हार्ट भी बचेगा, और तेल के जगह पानी आ गई तो वजन भी गिरता है। तो ये जो ज़ीरो ऑयल कुकिंग है, ये आज का फ्यूचर डाइट है। आपको मैं बता दूं, ये ज़ीरो ऑयल का हमारी कुकिंग की चैनल है, और ज़ीरो ऑयल में 1000 रेसिपीज़ हम लोगों ने डेवलप किया है, वो हार्ट को बचाने के लिए होता है। और एक और प्रॉब्लम है, ऑयल जिस चीज़ से आती है उसको भी रोकना पड़ेगा। अब मैं मूँगफली का तेल एक बूंद भी ना दूँ और मूँगफली दे दूँ, तो ये नट्स जो है ये भी हार्ट के लिए नुकसान करता है, कि उसमें फैट होता है। हमें ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं, हमें रिवर्स करना है। तो जो भी हार्ट का मरीज थोड़ा बहुत बन चुका है, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। पर खाने में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चार चीज़ें होनी चाहिए। ज़ीरो ऑयल, नो नॉनवेज, मिल्क से फैट निकाला जाए, और नट्स नहीं खाना चाहिए, ये चार चीज़। और हाँ, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जिससे एंटी ऑक्सीडेंट्स और फाइबर मिलता है। सर, ये डाइट की बात हुई, लेकिन जब दिल का दौरा पड़ता है तो ऐसे में क्या लक्षण आते हैं, कैसे पहचाने, और अगर आ रहा है तो उसमें सबसे पहला, कि अगर मेरे सामने मुझे लगे कि इस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है, तो क्या मेरा, मेरी तरफ से प्रोमिनेंट एक्शन होना चाहिए वो तुरंत? देखिए, दिल का दौरा जिस वक्त पड़ता है, दैट इज़ एन इमरजेंसी। हमने ऑलरेडी गलती कर दिया है, और ब्लॉकेज बढ़ रहा था, और आज पर्दा फट गया है, और वहाँ पे क्लॉट आने वाली है। उस वक्त जैसे ही 100 ब्लॉकेज होगा, 10 सेकेंड के अंदर मरीज को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उसको छाती में बहुत भयंकर पेन होती है, छाती में एकदम दबाव होती है, या सांस फूलती है बैठे बैठे, और उनको पसीना पसीना भी आ सकता है। कुछ लोगों को वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, चक्कर आ जाती है, गिरने का भी डर रहता है लो ब्लड प्रेशर से। ये सारे सिम्टम्स हैं, और वो पेन कभी कभी साथ में भी जाती है, चोकिंग भी हो सकती है। बैठे बैठे ये सब सिम्टम्स हो तो आप समझ लीजिए हार्ट अटैक हो गया है, लग रहा है पर्दा फट चुका है, क्लॉट आ चुका है। अच्छा, उस वक्त जो करना चाहिए वो क्या है? एक तो हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और एटोरवोस्टैटिन, ये तीन दवाई को आप एक साथ लेके खा सकते हैं। और उसके लिए हम लोग बोलते हैं 2 एस्पिरिन की टैबलेट, जो इकोस्प्रिन होती है, 3-4 क्लोपिडोग्रेल की टैबलेट, और एक हो गया एटोरवोस्टैटिन 80 मिलीग्राम, इनको आप ले सकते हैं। इससे उस वक्त जो भी आप फ़ायदा हो सकता है वो कर सकते हैं। और फिर उस वक्त जो भी फ़ायदा हो आप कर सकते हैं, और अगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। बिकॉज हॉस्पिटल में एक जगह में फ़ायदा होता है, वो क्लॉट को डिसॉल्व करने का उनके पास बंदोबस्त है, और उसको हम लोग या तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, या तो उसमें थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, जहाँ पर कुछ दवा दे के क्लॉट को डिसॉल्व किया जा सकता है। पर याद रखिएगा, वो 1 घंटे के अंदर होनी चाहिए। बाहर के कंट्री में ये बहुत कॉमन है, जैसे अमेरिका में बहुत कॉमन है कि 15 मिनट में मरीज का हॉस्पिटल पहुंचना संभव है, क्योंकि वहाँ पे गली गली में एम्बुलेंस होता है। आपको 911 में फ़ोन किया और विद इन 2 मिनट्स 5 मिनट्स एम्बुलेंस पहुंच गई, वहाँ पे ECG करते हैं, उनको हार्ट अटैक पता चल गया, और वो हॉस्पिटल जाके वहाँ पे 5-15 मिनट के अंदर अंदर उसको एंजियोप्लास्टी हो गई या क्लॉट डिसॉल्व हो गया, पेशेंट बच गया। पर हमारे इंडिया में तो 1 घंटा पहले पेशेंट टाइम ले लेता है बताने के लिए कि जब तकलीफ है, फिर परिवार वाले डिसीजन लेने टाइम लेते हैं, और फिर हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगता है, और वहां पहुंचने के बाद एक और प्रॉब्लम होती है कि वहां पे लाइन लगाओ, वहां पे पैसे जमा करो। तो इंडिया में बहुत कम होने लग गई है कि लोग टाइम से वहां पहुंच जाए हार्ट अटैक के बाद, तो वो उस वक्त लेट हो जाता है। तो बेस्ट क्या है मालूम है, कि हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करिए। होने के बाद क्या क्या होगा, डैमेज तो होना है उस वक्त, अगर आप 15 मिनट या 1 घंटे के अंदर वो ना खोल पाए तो हार्ट अटैक प्रिवेंट हो, वो सबसे बढ़िया बात। प्रिवेंशन ज़रूरी है, लेकिन सर किस एज ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं? देखिए, मैं जब आज से 20-25 साल पहले प्रैक्टिस शुरू किया था, तब ज़्यादातर लोग 60-70 के होते थे। अब हमारे पास 20 साल के भी मरीज आ गए। अभी 21 साल का एक लड़का आया था कि सर 95% ब्लॉकेज है, क्या करूँ? मैंने उसको नहीं करने दिया, देन ही इज़ इम्प्रूव्ड ऑलरेडी। तो मैं ये देखता हूँ आजकल 25-30 में बहुत कॉमन हो गया है कि हार्ट अटैक हो रहे हैं, और मेरे पेशेंट्स के मेरे ख्याल से 25% लोग जो हैं वो 40 के नीचे के होने लग गए आजकल। सर, तो ऐसे में जब यंग लॉट को हो रहे हैं, आपने कहा कि 20 और 25 की एज के आ रहे हैं, तो
वो बच कैसे सकते हैं इससे, क्योंकि उनमें क्या प्रमुख कारण है? देखिए, आजकल आगे जो हम लोग बोलते थे ना, भाई 30-40 के बाद ही चेकअप वेकअप शुरू करो कि हार्ट की बीमारी है कि नहीं, आजकल हम लोग बोलते हैं 20 में ही चेक कर लो आप अपनी लिपिड प्रोफाइल। पहला काम हम हर आदमी को बोलते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई हार्ट की बीमारी है तो ये जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बन रहा है, आपको लिपिड चेक कराना चाहिए। और अगर 20 साल तक, देखिए 20 साल तक हमारे बच्चे ऐसे ग्रो करते हैं, और उसके बाद जब ये ग्रोथ बंद हो जाता है उसके बाद वो फैट यूटिलाइज नहीं कर पाता है, फिर वो अंदर ब्लॉकेज चालू होती है। तो हम लोग बोलते हैं 20 साल के बाद आप लिपिड प्रोफाइल चेक करो, और अगर वो हाई है तो फिर आपको अभी से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और उसके संग अगर कोई को गलत खाना खा रहे, ओवरवेट है, स्ट्रेस ज़्यादा है, स्मोक कर रहे हैं, तो इनको तो बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेंगे तो एक दिन हार्ट अटैक होगा। और इतने नंबर्स बढ़ गए, हर घर में हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ एक मास कैंपेन होना चाहिए हार्ट की बीमारी के अवेयरनेस फैलाने के लिए, और वो जन जन तक पहुँचे तो हो सकता है। और मैं आपको बताऊँ, ऐसा एक किया गया था, फिनलैंड का एक जगह है नॉर्थ कैरेलिया, वहाँ पे सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि एक एक आदमी को, स्टेट के आदमी को हम एजुकेट करेंगे, एंड दे कुड रिड्यूस हार्ट अटैक्स बाय 85%। तो फिनलैंड जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट में आया जाता था हार्ट अटैक के, आज लोएस्ट में चल रहा है, बिकॉज दे हैव एजुकेटेड द होल पॉपुलेशन। एक सवाल सर ये भी उठता है कि अमूमन क्या होता है कि अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा है तो ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि ये गैस से हो रहा है और ये दिल में दर्द नहीं है, या उसको हार्ट अटैक नहीं समझते या कार्डियक अरेस्ट नहीं समझते, तो अमूमन क्या करते हैं लोग, दवाई खा लेते हैं गैस की या घर पे ही रहते हैं, तो ऐसे में ये अंतर कैसे समझा जाए कि ये गैस के कारण हो रहा है या हार्ट अटैक है? देखिए, हार्ट अटैक में बैठे बैठे ही तकलीफ होगी और चलने से और ज़्यादा तकलीफ होगी, तो ये एक बहुत सिम्टम है। और उसके संग पसीना बहुत आता है, और पसीना के संग चोकिंग होना, वॉमिटिंग होना, ये सब होता है। गैस में इस तरह की पेन नहीं होती है। इसके बाद भी अगर आपको मन में है कि यार ये हार्ट अटैक है या नहीं है, तो इसके लिए दो टेस्ट कराया जा सकता है इमीडिएटली, और एक का नाम है ECG, जो भी हॉस्पिटल नियरेस्ट में जाके आप ECG करा सकते हैं, बता देंगे हार्ट अटैक है नहीं है। और एक टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं ट्रॉप्टी टेस्ट। ट्रॉप्टी टेस्ट क्या मालूम है, जैसे यूरिन में प्रेगनेंसी चेक करने के लिए एक स्लाइड मिलता है जिसमें एक बूंद यूरिन डालो और येस और नो बता देगा, वैसे ही आजकल स्लाइड्स आती हैं, 500 रुपये के करीब टेस्ट का दाम होता है, उसमें दो बूंद ब्लड डाला और वो बता देगा हार्ट अटैक है या नहीं है। तो ये दोनों टेस्ट अगर कराया जा सकता है तो हार्ट अटैक है या नहीं है, ये अगर हार्ट अटैक नहीं है तो गैस्ट्रिक हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट पहले करके देख लीजिए, भाई हाँ हमें कोई बैठे बैठे ही पेन हो रहा है, चलने से पेन बढ़ नहीं रहा है, तो ये गैस्ट्रिक का लग रहा है। पर इसको डिस्टिंग्विश करने का फाइनल तरीका वही है ECG एंड ट्रॉप्टी टेस्ट, मतलब तुरंत ECG करा लिया जाए। सर एक ये भी है कि अगर किसी को दिल की बीमारी है और हमें पता चल गया है, तो वहाँ से प्रिवेंशन कैसे शुरू होगा, कैसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं? देखिए, जब भी कोई मरीज को हार्ट का बीमारी पता चलता है तो ये मान के चल लीजिए 70-80% ब्लॉकेज तो पक्की है, उसके बिना पता भी नहीं चलता है। और दूसरा है कि अगर उनको हार्ट अटैक हो गई तब भी पता चल जाता है। तो इन दोनों केसेस में ही हम लोग बोलते हैं भाई आप आगे के लिए इतनी प्रिकॉशंस लो कि ब्लॉकेज बढ़े नहीं है, काफ़ी नहीं है, ब्लॉकेज रुक जाए काफ़ी नहीं है, ब्लॉकेज कम हो उसका बंदोबस्त करें, मतलब रिवर्सिंग हार्ट डिजीज़। अब मेडिकल साइंस मान रही है रिवर्सल संभव है, पर इसकी कंसेप्ट क्या है वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ब्लॉकेज के 15 कारण हैं, अब 15 के 15 को ही बेस्ट में लाना होगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कम करो, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, BP ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, फूड है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, हर को लोएस्ट ब्रैकेट में लाना पड़ेगा, तब जाके ब्लॉकेज रिवर्स हो सकता है। तो हार्ट का कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है, मैं बोलता देखो आगे ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो एक दिन हार्ट अटैक में होगा, वो नहीं होना चाहिए। या बाईपास करा के आते हैं, एंजियोप्लास्टी करा के आते हैं, मैं बोलता हूँ दोबारा ना होगा, उसका बंदोबस्त हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सारे रिस्क फैक्टर जो ब्लॉकेज बनाने के कारण है उनको लोएस्ट ब्रैकेट में ला के रखना होगा। इसके लिए हम लोग ने एक सर्कल बनाया, इसका नाम है सेफ्टी सर्कल। उसमें 3 सर्कल है, सबसे खराब रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन। तो हर पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आप ग्रीन में ला दोगे और सारी चीज़ों को। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ कभी, कि एक ड्रम है उसमें 15 छेद है और उसमें पानी भरना चाहते हैं, और कितनी छेद बंद करूं, और आधा बंद करने से चलेगा? सारी छेद बंद करनी पड़ेगी और एक साथ बंद करना पड़ेगा तब जाके, और सारा पूरा करना पड़ेगा तब जाके रिजल्ट आएगी। तो रिवर्सल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट इट इज़ पॉसिबल कि हर आदमी आराम से घर पे कर सकता है।